सैनी प्रकरण के बाद बिहार सरकार का पूरा मंत्रिमंडल खतरे में है। एक तरफ जहां मुकेश सहनी के 3 विधायक भाजपा में शामिल हो गए और उसके बाद मुकेश सहनी के मंत्रालय को लेकर चर्चा होने लगी कि मुकेश सहनी अब मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तमाम बातें बिहार की राजनीति में अब घूम रही है। मुकेश सहनी का कार्यकाल भी अब थोड़े दिनों बचा है। मुकेश सहनी 2 महीने MLC रहेंगे, अगर उसके बाद भी चुनाव नहीं होता है तो 6 महीने तक उनका एक्सटेंशन रहेगा, लेकिन उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना होगा। लेकिन उसके पहले ही बिहार के तमाम मंत्री इस्तीफा देंगे। सूत्रों के हवाले जो खबर निकलकर सामने आ रही है, नीतीश मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया जाएगा, उसके बाद नए सिरे से मंत्रालय का विस्तार किया जाएगा, नए नए लोग आएंगे और कई पुराने लोग भी इसमें रह सकते हैं। लेकिन ये चर्चा कहीं ना कहीं जब निकली है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा की सहमति से होगी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विभाग गृह विभाग को लेकर काफ़ी चर्चा है। आज गृह विभाग का बजट भी पेश होना था, जिसे बिहार के विपक्षी दल मुख्यमंत्री पर हमलावर थे। उनका कहना था कि एक दंगाई के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री जा रहे हैं और बिहार का गृह विभाग का बजट पेश हो रहा है, मुख्यमंत्री गायब हैं। साथ ही साथ विपक्षी दलों का यह भी कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जिस विभाग को लेकर चर्चा में रहते हैं, आज उस विभाग पर बजट पेश होनी है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, नीतीश कुमार के सभी मंत्री इस्तीफा देंगे और नीतीश मंत्रालय में नए लोग आएंगे। केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से मोदी मंत्रिमंडल में हर साल कुछ नए लोग आते हैं, कुछ लोगों की छुट्टी कर दी जाती है, उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रालय में कई लोग नए भी आएंगे। हो सकता है इस मंत्रालय में सिर्फ भाजपा के लोग ही शामिल हो, यानी भाजपा के लोग ही बाहर जाएं, भाजपा के लोग ही अंदर आएं। इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर्वे सर्वा हैं, उनके शासनकाल में उनके मुख्यमंत्री रहते भर में इस तरह के कारनामे बहुत ही कम हुए हैं। विपक्षी दलों का जब दबाव पड़ता है तो कई लोगों को हटाया जाता है, चाहे बात मंजू वर्मा की करे या बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा बने थे, या उसके पहले जो शिक्षा मंत्री बने थे, लगातार वो लोग चर्चा में थे और उन्हें हटाया गया था, उन पर कई तरह के आरोप भी थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रालय में फेरबदल होगा तो कहीं ना कहीं देश में मोदी का मॉडल एक बार फिर से बिहार में लागू होने की संभावना है, और कई लोग सुचारू रूप से अपने मंत्रालय को नहीं चला पा रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकती है कि उनके मंत्रालय पर खतरा हो। देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ जब बैठक हुई थी बिहार के तमाम सांसदों की, तो उसमें इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी या अमित शाह बिहार आएंगे, उस दरमियान इस बात को लेकर बात आगे बढ़ाई जाएगी कि मंत्रालय का विस्तार फिर से हो या MLC चुनाव के बाद होता है। फिलहाल इंतजार करना होगा। जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रालय में एक बार फिर से फेरबदल होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।